दोस्तों क्या आपको पता है कि फ्लाइट अटेंडेंट को परफ्यूम लगाने की इजाजत नहीं होती है। दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो फ्लाइट अटेंडेंट यानी एयर होस्टेस को फ्लाइट के दौरान इजाजत नहीं होती है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि एयर होस्टेस के नियम कितने कड़े होते हैं और क्या क्या चीजों की इजाजत फ्लाइट अटेंडेंट एयर होस्टेस को नहीं होती है। फ्लाइट अटेंडेंट के बारे में सुनकर या उन्हें फ्लाइट में देखकर ऐसा लगता है कि इनकी जॉब बहुत अच्छी है। फ्लाइट पे इनको अलग अलग शहरों या अलग अलग कंट्रीज में जाने का मौका मिलता है। कुछ लोग बचपन में प्लान भी कर लेते हैं कि वो बड़े होकर फ्लाइट अटेंडेंट बनेंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इनके लिए रूल कितने कड़े बनाए गए हैं, एयर होस्टेस या फ्लाइट अटेंडेंट को कितने कड़े नियम का पालन करना पड़ता है। दोस्तों हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम आराम से कर सकते हैं, लेकिन यात्रा के दौरान फ्लाइट में फ्लाइट अटेंडेंट को उन चीजों को करने की इजाजत नहीं होती है। दोस्तों आइए इस वीडियो में जानते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं कि फ्लाइट के दौरान एयर होस्टेस को या फ्लाइट अटेंडेंट को अनुमति नहीं होती है। दोस्तों यात्रा के दौरान एयर होस्टेस को फ्लाइट अटेंडेंट को खाने पीने की चीजें पैसेंजर को सर्व करते हुए तो देखा होगा, लेकिन उन्हें खुद खाते हुए नहीं देखा होगा। ऐसा इसलिए होता है कि फ्लाइट अटेंडेंट के एयरलाइन से कड़े नियम के अनुसार फ्लाइट अटेंडेंट कहीं भी या एयरक्राफ्ट में कुछ भी नहीं खा सकते। उनको खाने पीने के लिए एयरक्राफ्ट में एक स्पेशल एरिया होता है, वहीं पर वो खाने पीने की चीजें खा सकते हैं। पैसेंजर्स के सामने उन्हें कोई भी चीज खाने पीने की इजाजत नहीं होती है। दोस्तों ऐसे ही फ्लाइट अटेंडेंट को बहुत तेज वाले महक की परफ्यूम लगाने की भी इजाजत नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एयरलाइंस के फ्लाइट अटेंडेंट रूल्स में यह शामिल होता है कि फ्लाइट अटेंडेंट परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, स्पेशली जो तेज महक वाले परफ्यूम होते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट एयरक्राफ्ट में अपनी जगह पर बैठी हुई है, फ्री है, फिर भी उसको एयरफोन या हेडफोन लगाने की इजाजत नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर वो हेडफोन लगाती है तो एयरक्राफ्ट में कोई इमरजेंसी सिग्नल को नहीं सुन पाएगी। इसलिए फ्लाइट अटेंडेंट के रूल में शामिल किया गया है कि फ्लाइट अटेंडेंट यात्रा के दौरान हेडफोन का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि नौकरी पाने के दौरान जब इंटरव्यू होते हैं तो फ्लाइट अटेंडेंट की हाइट भी चेक की जाती है। तो दोस्तों हाइट इसलिए नहीं चेक की जाती है कि इसमें भेदभाव किया जा रहा है, हाइट इसलिए चेक की जाती है कि फ्लाइट अटेंडेंट ओवरहेड कंपार्टमेंट से पैसेंजर्स के लगेज निकाल सके या उसमें रख सके, या कोई इमरजेंसी सिचुएशन आने पर फर्स्ट एड को ओवरहेड कंपार्टमेंट से निकाल सके। इसलिए इंटरव्यू के दौरान फ्लाइट अटेंडेंट की हाइट भी चेक की जाती है। फ्लाइट अटेंडेंट के रूल में एक चीज और शामिल है कि यात्रा के दौरान जब फ्लाइट अटेंडेंट अपने सर्विस में है उस समय भारी भरकम ज्वेलरी नहीं पहन सकती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में किसी इमरजेंसी लैंडिंग में जब पैसेंजर्स का इवैक्यूएशन होता है, पैसेंजर को आनंद फानंद में बाहर निकाला जाता है, उस समय कहीं उनकी भारी भरकम और लटकती हुई ज्वेलरी कहीं फंस सकती है, जिससे पैसेंजर्स के इवैक्यूएशन में बाधा आ सकती है और रोध उत्पन्न हो सकता है। तो दोस्तों एविएशन टुडे का यह वीडियो फ्लाइट अटेंडेंट के रूल्स पर बेस्ड था। फ्लाइट अटेंडेंट के लिए यात्रा के दौरान क्या क्या नियम कानून होते हैं जिन्हें उन्हें कड़ाई से फॉलो करना पड़ता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।